पप्पू धप्पू और गोरखराय ये तीनों भाई हैं और तीनों आरोपित हैं और इन्होंने ही नीलेश मुखिया का मर्डर करवाया। तो पुलिस प्रशासन की इसमें बहुत नाकामी दिखती है। आरजेडी से जुड़ा हुआ है, नेता है वहाँ का, बोलता है कि नेता है लेकिन नेता ऐसा नहीं होता है। जिस समय इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी तब पुलिस प्रशासन ने इधर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आपकी ही बात अगर उनके कान तक ना जाए तब उसके बाद क्या कहा जाएगा? चिराग जी ने भी मेरे लिए बोला, रामकृपाल यादव जी ने भी मेरे लिए बोला, रविशंकर जी ने मेरे तरफ से बोला है। ऐसा नहीं है, मेरे पति को अगर न्याय नहीं मिला तो मैं अपने जनता के साथ फिर जहाँ जाना रहेगा मैं जाऊंगी। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। एक बार फिर बिहार में गरीबों के मसीहा माने जाने वाले नीलेश मुखिया की अपराधियों के द्वारा गोली मार दी जाती है बीच चौराहे पर, जिसके बाद आनंद फानंद में उनको इलाज के लिए पटना में 7 दिनों के लिए रखा जाता है, जिसके बाद उनकी अच्छी इलाज के लिए उनको दिल्ली भेजा जाता है, जहाँ पर वह 23 दिन तक अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ते हैं और उसके बाद अपनी ज़िंदगी हार जाते हैं। लेकिन ज़िंदगी तो हार जाते हैं लेकिन अपराधियों को बिहार पुलिस कब तक पकड़ेगी, ये बड़ा सवाल। हालांकि 2 शूटरों को तो पुलिस ने पकड़ लिया है लेकिन मुख्य आरोपी अब भी फरार चल रहा है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए नीलेश मुखिया जी की धर्मपत्नी इस वक्त है। मैम, दुखद घटना है लेकिन पुलिस द्वारा कब तक कार्रवाई देखने को मिलेगी, क्या कुछ पुलिस द्वारा जानकारी मिल रहा है? देखिए, पुलिस तो पहले 24 घंटे का समय मांगी, फिर उसके बाद 3 दिन का, फिर 3 दिन से 1 सप्ताह हुआ, फिर उसके बाद 1 सप्ताह का समय मांगी, फिर बोला गया कि 5 दिन और समय दे दीजिए। उसके बाद अभी ये हालात है कि आज 1 महीना होने जाएगा 1-2 दिन में। तो पुलिस प्रशासन की इसमें बहुत नाकामी दिखती है क्योंकि वो लोग सुचारू तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं और अपराधी अभी भी खुले में घूम रहा है। क्या कारण है, ऊपर से पुलिस पर दबाव दिया गया है या पुलिस अभी तक जो आप अपराधी जिनका आपने नाम दिया है उन्हें खोज नहीं पा रही है, ट्रेस नहीं कर पा रही है, कहाँ पर वो है? देखिए, ये अपराधी जो है बहुत कुख्यात अपराधी है, नाजायज़ धन है इसके पास, ये पैसे देकर ही लोगों को खरीदने का काम करती है और जब तक अभी ऊपर से ये नहीं पता चल जाए कब इन लोगों की गिरफ्तारी हो तो मैं अभी पुलिस प्रशासन पर विश्वास भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रही हूँ। गरीबों के मसीहा माने जाते थे नीलेश मुखिया, हमेशा गरीबों का मदद करने के लिए तैयार रहते थे और जब वो अपने घर से सुबह दफ्तर के लिए निकलते हैं तो अपराधी उनको गोली मार के हत्या करते हैं, तो क्या कुछ पहले से धमकी मिल रहा था उनको? हाँ, पहले से उन्होंने अपनी सुरक्षा की गुहार की थी पुलिस प्रशासन से लेकिन उनको सुरक्षा नहीं मुहैया कराया गया और लाइसेंस भी नहीं दिया गया कि अगर ऐसा सुरक्षा उनको मिल जाता तो आज हम लोगों को शायद ये दिन ना देखना पड़ता। कब से कहाँ कहाँ पे वो लाइसेंस के लिए अप्लाई किए थे और कौन थाने में उन्होंने कंप्लेन दर्ज कराया था? सभी जगह दिया हुआ था, मैं खुद पुलिस मुख्यालय भी गई जब वो घायल अवस्था में थे तो मुझे गार्ड मुहैया कराया गया। लेकिन जिस समय इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी तब पुलिस प्रशासन ने इधर ध्यान नहीं दिया। जो मेरा दुश्मन है वो खुले में घूम रहा है, मेरे बच्चे हैं, मेरे भतीजे हैं, भाई साहब है, मान लीजिए मेरे घर का कोई सदस्य भी कोई खतरे से बाहर तो नहीं है। मेरा तो सब चीज़ समझिए कि चला गया मेरा सब चीज़, लेकिन उसके बाद भी जो ये मेरा परिवार है और तो मैं जाते नहीं देख सकती किसी को। डर लगता है? देखिए, मुझे अपने लिए अब कोई डर नहीं लगता है। डरता क्यों है इंसान, अपने परिवार के लिए डरता है। ऐसा नहीं है, मेरे पति का जो भी हत्यारा है बिना उसको सजा दिलाए मैं भी चैन से नहीं रहूँगी। अपराधी हैं, हत्यारे हैं, इनके नाम से एक हत्या दर्ज नहीं है, एक मामला ऐसा नहीं है जो छीना झपटी का, सारे के सारे हत्याएं की हैं और उस पर से भी इसे बेल मिल जाता है और ये आराम से घूमता है और अंततः आप लोगों ने देखा है कि उसने नीलेश मुखिया का भी हत्या कर दिया। आगे अगर इंसाफ में और देरी लगेगा तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं आप इंसाफ पाने के लिए, क्योंकि आपने अपना सब कुछ खो चुका है, अब बच्चे का भविष्य का सवाल है। देखिए, आप सबको पता है कि एक जीवन में एक गार्जियन की क्या भूमिका होती है और वो जब ना रहे तो उसके बाद लाइफ क्या होता है, उसके बच्चों के साथ क्या होता है और वो भी छोटे बच्चे जो अभी ना समझ। तो ऐसा नहीं है, पुलिस प्रशासन से जैसे मैंने मांग रखी है न्याय की, मैं अभी देख रही हूँ, आशा करती हूँ कि देर से ही सही अपनी वर्दी का ये दिखाएं, जोर दिखाएं
और जो वचन वो लोग लेते हैं एक आम इंसान की सुरक्षा का, वो भी देखना चाहती हूँ कैसे निभाते हैं। और ऐसा नहीं है, मेरे पति को अगर न्याय नहीं मिला तो मैं अपने जनता के साथ फिर जहाँ जाना रहेगा मैं जाऊँगी जरूर। अच्छा, पुलिस द्वारा आप लोगों पर भी कुछ FIR किया गया है क्या, जैसे उस दिन कुछ हुआ, घटना घटा था? बता दूँ, हम लोगों से ज़्यादा आक्रोशित मेरी जनता है। आप अपने घर के लोगों को समझा सकते हैं, डांट सकते हैं, जनता का क्या कीजिएगा जिसके लिए वो मसीहा रहा, किसी का बेटा बना, किसी का भाई बना, किसी का देवर बना, उसके लिए क्या कीजिएगा? हम कितना रोकें उन लोगों को बताइए। मेरी जनता मुझसे आके कहती है कि जब आप घर वाले नहीं कुछ कर रहे हैं तो हम अकेले लड़ लेंगे उससे, तो मांग कर रही है दोषी की कि जब पुलिस प्रशासन से कुछ नहीं हो रहा है तो दोषी हमें ला के दीजिए, हम दे देंगे उसको सजा। पर नीतीश बाबू को सुशासन की सरकार मानी जाती है, उस सुशासन में अगर आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है और वो भी नीलेश मुखिया जो गरीबों के मसीहा माने जाते हैं, तो उसके बाद तो कई सवाल खड़े होते हैं ना। देखिए, यहाँ की कानून व्यवस्था सही नहीं है, और जहाँ तक नीतीश बाबू का बात है तो अभी मैं इंतज़ार देख रही हूँ क्या फैसला वो करते हैं इसका। और बिहार का जो स्थिति है आज बहुत चिंताजनक है, क्योंकि जब बिहार लोग आना पसंद करते थे लेकिन कुछ समय बाद ऐसा हो जाएगा कि हाँ आने से भी लोग आनाकानी करेंगे। जिस तरीके से चिराग पासवान और पप्पू यादव आपके घर आते हैं, उसके बाद NDA के तमाम बड़े नेताओं का तांता लग जाता है आपके घर आने का, क्या कुछ आश्वासन मिला है इंसाफ के नाम पर? देखिए, इन लोगों ने तो मेरी बात उठाई है सरकार के सामने, लेकिन बात अमल करने की होती है। बात तो हर जगह से उठ ले, आप लोग भी उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेरे पास क्यों आए हैं, मेरी बात को ही जानकारी देने के लिए ना लोगों को। लेकिन आपकी ही बात अगर उनके कान तक ना जाए तब उसके बाद क्या कहा जाएगा? चिराग जी ने भी मेरे लिए बोला, रामकृपाल यादव जी ने भी मेरे लिए बोला, रविशंकर जी ने मेरे तरफ से बोला है। तभी तो गुंडा राज है, जंगल राज है, तभी तो ऐसा हुआ कि मेरे ही कार्यालय के बाहर सभी के आंखों के नज़रों के सामने मेरे पति को इस तरह गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। वहाँ की भीड़ थतम कर रह गई कि ये क्या हो गया। हम लोग जैसे ही इस घटना का सुने वो वैसे ही के वैसे ही रह गए। अच्छा, जिस दिन नीलेश मुखिया जी को गोली मारा गया था उस दिन सब सामान्य था कि उससे एक दो दिन पहले फ़ोन आया था किसी का धमकी भर गया? ऐसा कुछ नहीं था, जैसे हम लोग नॉर्मल जीवन जी रहे थे, हंस के बोल के, थोड़ी सी भी भनक हम लोगों की नहीं। देखिए, ये इसके लिए तो उन्होंने बहुत पहले मामला उठाया था, आवेदन भी दिया था कि मेरे और मेरे परिवार की जान जा सकती है, मुझ पर हमला करवाया जा सकता है। पप्पू राय, धप्पू राय, गोरख राय का नाम सामने आया था, पहले से आ रहा है, और आखिरकार उन्होंने अंजाम दिया जो उन्होंने सोच रखा था वो मेरे पति के साथ कर दिया। अच्छा, ये कौन है पप्पू राय वगैरह जिनका नाम आ रहा है सामने, उन लोग हैं कौन? क्या रहेगा, अपराधी है, उसको तो अपराधी ही कहेंगे हम। RJD से जुड़ा हुआ है, नेता है वहाँ का, बोलता है कि नेता है लेकिन नेता ऐसा नहीं होता है, खेल नहीं खेलता है। किसी का हत्या करवाने का खेल खेलने वाले को कुख्यात अपराधी बोलते हैं। पप्पू यादव बड़ा आरोप लगाए थे कि उन्हें टिकट दिया गया RJD के द्वारा अपराधियों को, और यही कारण है कि नीलेश मुखिया जिस दुनिया में नहीं है, इसमें कितना सच्चाई है? देखिए, बताती हूँ, समाज का संचालन एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति ही कर सकता है, अपराधी नहीं। जिस पर 10 हत्या के मामले दर्ज हो वो नेता नहीं कहलाता है, वो नेता बन के समाज का भक्षण करता है। अच्छा, आगे क्या ऐसा कभी आपको लगा कि RJD का नेता होने के कारण इंसाफ में देरी हो रहा है? मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगी। देखिए, क्रोध में आके हर बात आदमी कह देता है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, इंसान का इंसान से रिश्ता होता है। जिसने मेरे पति को मारा, क्या उसका परिवार नहीं है? लेकिन एक बार भी उसने मेरे बच्चों के बारे में सोचा? एक बार मेरे बारे में सोचा? एक बार मेरे परिवार के बारे में सोचा? बताइए, ऐसे इंसान को ना हम समाज में रहने के लायक समझते हैं, ना नेता कहलाने के लायक है, ना इंसान कहलाने के लायक है। आखिरी सवाल रहेगा, जिनकी गिरफ्तारी 2 की हुई है, वो अभी तक पुलिस को क्या बयान दिए हैं, किसका किसका नाम लिए हुए हैं? देखिए, उन्होंने 6 जो मुखिया जी को जिन्होंने गोलियां बरसाई वो 6 लोग थे, वो जब पकड़ा गया है तो इनका नाम संलिप्त हुआ, पप्पू राय, धप्पू राय, गोरख राय का, तो मेन मास्टरमाइंड यही लोग हैं। इनकी पकड़ से ही पता चलेगी कि कितने लोग इनके अंदर में शामिल हैं। उनको पकड़ने से भी कुछ नहीं हुआ, उनको क्या, उनको तो पैसा दिया हुआ था,
मारने का उसने अपना काम किया, लेकिन बस उसके पीछे जिसका हाथ है, जैसा कि एक वीडियो जारी हुआ था पप्पू राय का, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें आरोपित बोल रहा है कहीं मैं इसमें शामिल हूँ तो मुझे फांसी की सज़ा दीजिए। तो आज कहाँ है पप्पू राय, फांसी की सज़ा लेने आना चाहिए ना उन्हें। बोलते हैं कि मैं हर तरफ से मदद करूँगा आपकी। क्या मदद किया? यही मदद किया ना, मेरे परिवार को उजाड़ दिया। और ऐसा शैतान बोलता है कि मैं नेता हूँ। अच्छा, चलते चलते बस एक सवाल, कहाँ पे है पप्पू राय, पुलिस पता नहीं कर पा रही है, क्या आप लोगों को ऐसा जानकारी है कि वो कितने दिन पहले यहाँ से फरार हो गए थे या घट? वो मरवाने से 4 दिन पहले वो यहाँ से गायब था, जैसा कि वो वीडियो में बोल रहा है कि मैं अपना इलाज कराने यहाँ आया हूँ। ये सब बस एक नाटक है। यहाँ पर उसने हायर किया आदमी, 1.5 महीने से रेकी करवाई और वहाँ से बैठ के उससे कॉन्टैक्ट में था, बोला कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ, तुम लोग अपना काम करके आ जाना, यही था। ये सब स्वांग रचा हुआ था। इतना ड्रामा, जब मेरे भाई साहब ने उनका नाम लिया इसका कि नहीं यही मरवाया है, तो वहाँ से वो वीडियो जारी किया लोगों को बात में फंसाने के लिए कि इतना इमोशनल वीडियो जारी करो कि मतलब लोगों को लगे कि नहीं नहीं कितना अच्छा है, कोई अपराधी थोड़े ऐसा बोलता है कि हमको फांसी दे दिया जाए। लेकिन यह पुराना आरोपित है, एक मामला दर्ज नहीं है इसके प्रति, इसको तो सरकार को कब का फांसी देना चाहिए था। ऐसे व्यक्ति समाज में घूमने के लायक नहीं होते। क्या इंसाफ लेने के लिए RJD कार्यालय, बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी और नीतीश तक जा सकते हैं आप? देखिए, अभी तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती, अभी मैं पुलिस प्रशासन पर हूँ। आगे जो होगा आप लोग को खबर मिल ही जाएगा, आगे का जो हम करना चाहेंगे वो आप लोग के सामने ही होगा। लेकिन अभी जैसा कि पुलिस प्रशासन हमको समय दी, थोड़ा और समय मांगी, तो उस पर अभी हम हैं, फिर देखेंगे। क्यों नहीं न्याय मांगेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे? कोई मेरा सामान तो नहीं टूटा है, ज़िंदगी भर का साथ मेरा छूटा है, मेरे बच्चों पर से उसके पिता का साया ख़त्म हुआ है, ऐसे कैसे उसको माफ़ कर देंगे हम? कितना समय और पुलिस मांगी है? मांगी थी 5 दिन, ख़त्म हुई है, और देख लेती हूँ 5 दिन। ठीक है। अच्छा, ये जो घटना घटा था जिसमें नीलेश मुखिया जी को गोली मारी गई थी, तो इसमें मुख्य आरोपी कौन कौन है और किस पर FIR दर्ज हुआ है? पप्पू, धप्पू और गोरखराय, ये तीनों भाई हैं और तीनों आरोपित हैं, और इन्होंने ही नीलेश मुखिया का मर्डर करवाया है। जी हाँ, तो किसी मूवी की तरह यहाँ भी सिर्फ पुलिस के द्वारा डेट पर डेट लिया जा रहा है और समय मांगा जा रहा है। ये परिवार की ओर से समय तो दिया जा रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिरकार ये परिवार और कितना समय देता है और कितना समय पुलिस लेती है इस परिवार को न्याय दिलाने में। कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है कि पुलिस को जब सब कुछ पता है कि कौन कहाँ पर है, किसने गोली मरवाई, और CCTV भी जब फुटेज निकल कर सामने आ गया है, तो पुलिस प्रशासन अब तक क्यों सोई हुई है? फिलहाल देशवा न्यूज़ में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज़ में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज़ का मकसद नहीं, देशवा न्यूज़ की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज़ पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।